बकरी का बच्चा दूध नहीं पी रहा था जो कल कमज़ोर पैदा हुआ था, परसों हल्के पैदा हुआ, इसे कमरे में शिफ्ट कर दिया। अभी से ये बोतल से दूध पिलाया तो इसने थोड़ा सा दूध पी लिया है। अब ये देखें ना, ये अब ये खड़े होने की भी कोशिश शुरू कर रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर तू 4-5 बार ये दूध पी गया तो फिर समझे कि इसमें बेहतरी आ जाएगी। बता, बच्चे की लाश पड़ी हुई है, शायद एक नया पैदा हुआ था। उधर बतियाँ बच्चे रहती हैं उनके ऊपर, अंडे से बच्चे निकालती हैं, और इधर से कहीं लगता है ये निकल के आया तो इधर मारा गया। बकरी को भी नहलाया जा रहा है, किसी को बुखार हो तो आमतौर पर फिर नहलाया जाता है। धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन हल्के हल्के बादल भी बने हुए हैं आज। नाश्ते में यार क्या बन गया जी? अच्छा जी, चीज़ घर पे बनाई की चीज़ है इसमें, और सैलेड है, अंडा है, देसी अंडा है, बतख का, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, मायोनीज जो घर पे बनी है, घर पे बन जाती है मायोनीज। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आज के अखबार में देखते हैं कि मेन खबर क्या है। ये 240 रुपये किलो LPG की कीमत बढ़ गई, और पाकिस्तान रेलवे ने 5% अपने किराए भी बढ़ा दिए। अपने चाचू के जितना हो गया तकरीबन। जुएब के हाँ बच्चे की पैदाइश हुई है ना, तो ये मुबारकबाद लेने का रहा है। तो बंदा जब चल के घर आ जाए तो फिर मुबारकबाद दे ही देनी चाहिए। इधर जाने से पहले जूतियाँ चेंज कर लें ताकि महंगियाँ साथ ना जाए। किधर गया है? मुबारकबाद ला रहे मुबारक ही। ताया नहीं आया ना, बाकी है नहीं, ताया तो बन गया ना। नहीं यार जाती अपना फैसला वापस ले ले। नहीं 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 क्या बनाया है? किधर फिरते हो? खाने से फ्राई अंडे नहीं, खाना खा ले यार। परसों सवार। चलो फिर सवार उठा लिए। चलो ठीक जाओ। दोनों मिली है। ना आगे ना पीछे, इधर है। चलो वापस वाले ये। कैसी लंबी छलांग लगाई। चलो जी, आज फिर साबत लूसन डाला जा रहा है बकरियों को। आज खुरली भी रिपेयर हो गई है, और खुरली पे इजाफी सरिये भी लगवा दिए। ये काफी सरिया लग गया, और ये लग गया। ये सारा लूसन आ गया इसके अंदर। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, ठीक है। गंदे बच्चे भी बांब बच्चे रोते हैं, बीबे बच्चे नहीं रोते। आंटी शाम होने को बतख भी अभी इधर से खा खो गए ना, फिर उधर अपने वाड़े की तरफ चली गई। जो बकरी भी बच्चे पैदा करती है ना, वो बड़ा तंग करती है कुछ दिन। इसने बच्चे दिए, बहुत ही तंग किया, हर वक्त बोलते रहना। देखा बातें तो सारी सुकून कर रही हैं, पेट भरा हुआ हो तो
जानवर सुकून करने लग पड़ते हैं। ये देखिए ना, बर्तनों में खाना बड़ा हुआ है। ये टेंशन फ्री हो के रेस्ट कर रही हैं। अभी और 3-4 माह तक ना, 3-3.5 माह तक इन्होंने अंडे देने शुरू कर देने। ये रखी हैं हमने अंडों के लिए, बना दे तो उम्मीद है इनमें नार निकलेंगे, फिर भी अंडे काफ़ी हो जाएंगे अपने इस्तेमाल के लिए। पता है कि अंडे में ना प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं मुर्गी से, और ये ज़्यादा इसका टेक्सचर जो है ना वो ज़्यादा क्रीमी होता है, क्योंकि ज़्यादा टेस्टी होता है मुर्गी से ना, तो बड़ा भी होता है। जी एक चक्कर अब लगाते हैं कामरान की तरफ, तूफान के लिए दूध आ गया जी आज के आधा किलो। आगे तो आगे जनाब कट्टे बच्चे दुम्बे बकरे, ओए क्या कर रहे हो भाई, ये तो आप जादू कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप पे किसी ने जादू करने ये जादूगर ऐसा काम करते हैं शाम के टाइम, इकट्ठे किए हैं शाम को उधर से आके। तो यार इधर ये कितना धुआं होगा, इसको कहीं साइड पे फेंक देते बाहर, इधर अंदर जलाएंगे, अंदर गंद डलेगा इसमें, मुझे इतना पता मच्छर कम होते हैं। क्या करते हैं यार, तो ठीक है बुझाए तो जलाया ना करें, कहीं डिस्पोज आप कर लीजिए, बाकी वो भी इकट्ठी कर दूं, वो भी ना जलाऊं। हां देख कितनी स्मेल आ रही है, प्लास्टिक जल रही है सारी चीजें, ये वैसे भी ना गलत बात है। आपको पता है ये जो कूड़ा क्रिकेट जलाने पे पाबंदी है, कानूनन जुर्म है। हाँ तो अगर कोई इधर ये साथ रोड है, कोई स्मेल आए अंदर आ जाए आपको पकड़ के ले जाए, फिर कानूनन जुर्म है। तो क्यों इस तरह ये जलाया ना करें, वैसे कहीं साइड पे बाइक जो है ना वो डंप कर दिया करें। हाँ जहाँ पे बल्दिया का कोई पॉइंट हो ना वहाँ पे डंप कर दिया करें। कल वाला कद्दू चेक करते हैं अब उसकी क्या पोजिशन है। ये अभी तक तो ठीक है, इसके अंदर ना कोई कीड़े पतंगे घुस गए, वो अब ठीक लग रहा है। चल फिर झूले ले ले, बाय बाय। क्या हो गया मोनी? वो कह रहे कि मैंने मंसूर साहब की तरह जिम बनाना चाह रहे हैं इस कमरे में, तो वो बॉक्सिंग वाला वो नहीं होता तो इस छत पे लगाना है यहाँ पे, क्योंकि छत कमजोर है, कौन सा लेंटर है टी आ रही है, तो ऐसे गार्डर से लगे हुए, तो कह रहे कुछ नहीं होता, तो मेरे को उधर लगवाना, कह रहे वो गिर जाएगा। मैं कहा वो इसका टेंशन है, इसकी टेंशन है, यहाँ पे मैं सोता हूँ और ये गिर गया तो कह रहे जी मैं कल आऊँगा तो यहाँ पे हमने सेटिंग सारी करनी है। आपके कमरे में जिम बनाना जा रहे हैं? जी जिम जी है। तो मैं कहा इसका आपको नॉलेज होगा क्या? मंसूर भाई कह रहे हैं, मेरे को मंसूर भाई कह रहे थे, उनको तो पता ही होगा आप मंसूर भाई एक ही हो। चलो मैं बात करता हूँ सुबह। मैं कहा इस कमरे में तो ना करें ना, फिर वही गंद होगा जी, कमरे ने ये नहीं किया, कमरे ने वो नहीं किया, गंद खिलाने वाले सारे लोग होंगे, तो ये बात है। ठीक है मैं कह देता हूँ, इधर बना दे। बना नहीं जो मर्जी, पर त्याग भी तो करे ना मेरा के साथ। तेरा पूछता हूँ उससे कि क्यों जिम यहाँ पे क्यों बनाना चाह रहा है? मैं तो जो मोल भी कह के गया, अभी तक मैंने मंसूर भाई से कोई बात नहीं हुई, विजिट करके गया है गार्डन में, वो लगाने चैन लगे हुए, तो ऐसे ऐसे नहीं होता वो वाला, तो साथ साथ सारा सामान सेट करने कम से 20-25 लाख रुपया लगेगा, बड़ा अच्छा मॉल होना है। पंचिंग बैग जी, पंचिंग बैग लगा, वो अच्छा चलो सर एडजस्ट भी करेंगे। फिजान तो आज चला गया दादी के घर, तो इसलिए फीड आज हमने फिर डालनी पड़ेगी मछलियों की फीड, ये डाल दी ना मछलियों। कढ़ाई चिकन कढ़ाई, और आज कई सालों तक हमारे घर में वलैती चिकन कढ़ाई बनने लगी, क्योंकि ये 6 साल था, क्योंकि ये गोश्त गलती से आ गया था रखा, अब आ गया तो बना। पिज़्ज़ा है आज, आ जाओ ये देखिए कैसे जनाब फुटबॉल वाली रोटी बनी, गोल